हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। STU and V वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4-3-2-1। ऑन 1/4/16 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी गई है आपको यहाँ पर। लाइबिलिटीज में कैपिटल STU V, क्रेडिटर्स लिखें 80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, फिक्स्ड एसेट्स 4,40,000, करंट एसेट्स 2 लाख। From the above date, partner decided to share the future profit in 3-1-2-4. For this purpose, the goodwill of the firm was valued 90,000. The partner also agreed for the following. The claim for workman compensation has been estimated 70,000 to adjust the capital of partner according to new profit sharing ratio by opening partner's current account. Revaluation account prepare करना है, partner's capital account and balance sheet. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके CBSE 17 में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन सबसे पहले करना है रिवेल्यूशन अकाउंट। रिवेल्यूशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेट 70,000, जबकि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 60,000 का है। रिजर्व हमारा 60,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है 70,000, यानी कि रिजर्व हमारा कम है और क्लेम हमारा ज्यादा है, तो लॉस हुआ हमें यहाँ पे 10,000 का। उसलिए आप एक एंट्री लेके चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो रिवेल्यूशन से लिया जाएगा, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। सबसे पहले ये एंट्री करनी है। इसके बाद रिवेल्यूशन जो लॉस हुआ है 10,000 का, इसको पार्टनर बियर करेंगे। अब रिवेल्यूशन पर लॉस है, डेबिट है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे हम, और डेबिट हो जाएगा आपका एस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल डेबिट, यूज कैपिटल डेबिट, वीज कैपिटल डेबिट टू रिवेल्यूशन, यानी लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहां पे, एंट्री है ये रिवेल्यूशन DR है, तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। तो रिवेल्यूशन के डेबिट में जो 10,000 लिखे हैं, आप यहां पे जाएंगे और नेम आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। जो ये अमाउंट है वो 10,000 यहां पर आएगा। इसके बाद यहां एंट्री में देख रहे हैं रिवेल्यूशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय एस कैपिटल, बाय टीज कैपिटल, बाय यूज कैपिटल, बाय वीज कैपिटल, और ये आएगा आपका 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, और सबका टोटल हो जाएगा 10,000। तो ये आपका रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे यहां पे पर्टिकुलर्स STU V। अगेन फिर वैसे ही लिखेंगे राइट साइड में पर्टिकुलर्स STU V। सबसे पहले बच्चों यहां जो लिखना है वो लिखना बाय बैलेंस BD, यानी जो आपके लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दी गई है, जैसे S के लिए 2 लाख है, T के लिए 150 है, U के लिए 1 लाख है और V के लिए 50,000 है। ये कैपिटल लिखेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद जो ये रिवेल्यूशन अकाउंट पर लॉस हुआ है, जैसे यहां पे लॉस हुआ है तो ये इधर आ जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा, यानी टू रिवेल्यूशन लॉस 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। सबसे सिंपल तरीका है कि यहां की चीजें यहां ले लें आप। या दूसरा तरीका ये है जिसमें लॉस हुआ है कि एस डेबिट, टीज डेबिट, यू डेबिट, वी डेबिट टू रिवेल्यूशन। तो पार्टनर क्या है, यहां पर डेबिट है, तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएंगे और यहां पर लिख देंगे टू रिवेल्यूशन, ये लिख देंगे। इसके बाद आप यहां ध्यान देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में। गुडविल दिया है हमें क्वेश्चन में 90,000 का गुडविल है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो एस के लिए क्या है, 4/10 है, न्यू रेशो है 3/10। माइनस करने के बाद 1/10 प्लस में आता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। टी के लिए ओल्ड माइनस न्यू 2/10 प्लस में आया सैक्रिफाइसिंग। यू का 2/10 माइनस 2/10 जीरो आता है,
ना एक सेक्रीफाइजर है ना गेनर है। वी के लिए ओल्ड माइनस न्यू ये आता है 3/10 गेनिंग में। अब गेनर को हम क्या करते हैं डेबिट, यानी कि बीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल, ये एंट्री होगी। अमाउंट कैसे आए आपके 90,000 का 3/10, ये जो 3/10 आपका लिखा हुआ है बी का, और एस का 90,000 का 1/10, ये जो लिखा हुआ है 1/10, टी का 90,000 का 2/10, ये जो लिखा हुआ है आपका टी के। अब एंट्री क्या है, बी इज कैपिटल डेबिट, तो बी के डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाने वाले लिखेंगे टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल। ये जो आप देख रहे हैं V के डेबिट में जाएंगे टू टीज कैपिटल टू एस कैपिटल, ये डेबिट साइड में इधर आ जाएंगे, लेकिन कॉलम में आएंगे V के 9000 और 18000। उसके बाद ध्यान देंगे टू टीज एस कैपिटल है टू टीज कैपिटल है, तो टू साइड में जाएंगे यानी कि राइट साइड में लिखेंगे बाय V कैपिटल, और एस के कॉलम में 9000 आएगा, टी के कॉलम में 18000 आएगा। ये इस तरीके से आपका इतना हो गया। अब आपको इसका टोटली करना है, इसका टोटल आएगा 2,09,000, इसका 1,68,000, इसका 1,00,000 और इसका आएगा 50,000। अब इस टोटल में से ये माइनस करेंगे यानी 2,09,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 2,05,000, 1,68,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 1,65,000, 1,00,000 में से आप 2,000 माइनस करेंगे 98,000, 50,000 में से ये तीनों माइनस करेंगे तो 22,000, और ये जो बैलेंस सीडी हमने लिखा है इसको यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ये वाला चीज 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000, ये इस तरीके से आपने सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लिखा है यहां पे टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले लिखना होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ये आपका 2,05,000, 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, ये यहां पर लिख लीजिए, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 4,90,000, 4,90,000। अब एस के लिए 4,90,000 का 3/10 जो कि आपका न्यू रेशो है, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग लिखना है, और न्यू रेशो क्या था आपका 3/10। टी के लिए 1/10, यू के लिए 2/10 और वी के लिए 4/10, ये आपकी न्यू कैपिटल आ गई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसी को सबसे पहले यहां लिख देंगे आप टू बैलेंस शीट, यानी 1,47,000, 49,000, 98,000, 1,96,000, इतना लिखने के बाद अब आपको उसकी टोटलिंग करनी है, ज्यादा कौन सा ये ज्यादा है, यानी कि 2,05,000 में से इसे माइनस करेंगे तो ये 1,47,000 बच जाएगा, सॉरी 1,47,000 माइनस करेंगे 58,000 बच जाएगा, और ये क्या है टू एस करंट, किसके कॉलम में बचा एस के में, तो इसे लिखेंगे टू एस करंट। ऐसे ही इसका टोटल है 1,65,000, इसमें से माइनस करेंगे 49,000, 1,16,000 बचता है, इसे लिखेंगे टू टीज करंट, क्योंकि टी के कॉलम में तो करंट वर्ड यूज करेंगे यहां पर, और यहां पे जाता है ये 98,000 सेम है, 98,000 इधर है, 98,000 इधर है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, और वी में जो ज्यादा है वो 1,96,000 ज्यादा है, तो 196 में से आप 1,74,000 रुपए ये 22,000 रुपए माइनस करोगे, 22,000 रुपए तो ये बच जाएगा बाय 20 करंट 1,74,000। तो ये आपका कंप्लीट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट है बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, सबसे पहले आप इधर देखेंगे लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले कैपिटल लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल लिखी हुई है, तो कैपिटल आपको जो यहां लिखनी है वो ये वाली कैपिटल लिखनी है, यानी 1,47,000, 49,000, 98,000, 1,96,000। इसके बाद आप लिखेंगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर लिखें 80,000, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो क्रेडिटर 80,000 ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था हमारा 70,000 का,
वो 70,000 तो यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं करंट अकाउंट कहां से आए, तो करंट अकाउंट यहां से लिए गए हैं, जैसे एस के करंट में 58,000 है, टी में लिखा है 1,16,000, ये यहां से लिए हैं दोनों, ये कंप्लीट हो गया इस साइड का, इसका टोटल बैठता है 8,14,000। और उसके बाद आते हैं आप एसेट साइड, एसेट साइड में जो आपकी एसेट्स लिखी है फिक्स्ड एसेट्स वो 4,40,000 है, उसे लिखेंगे सबसे पहले यहां पर। उसके बाद करंट एसेट से 2 लाख, वो 2 लाख यहां पर आ जाएगी। और इसके बाद आप देख रहे हैं बी का करंट जो लिखा है 1,74,000 आ रहा है आपके यहां से 1,74,000, तो टोटलिंग करेंगे इसका 8,14,000 एंड 8,14,000, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 20,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 75,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 6 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 बी रिड्यूस टू 30,000, कंप्यूटर बुक वैल्यू 40,000 रिड्यूस बाय 10,000, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 50,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 वर रिवैल्यूड एट 25,000। आपको यहां पे करनी है जनरल एंट्री। बच्चों नेक्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है जब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसे डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, यानी 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, 20,000 का 2/5 8,000, 20,000 का 2/5 8,000 एंड 20,000 का 1/5 4,000, ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंट्री हो जाती है एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और ये जो टोटल दिया था 15,000 था, इसको भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशो में, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 6,000 एंड 3,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, और जबकि उसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में लिखी है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 50,000, यानी 50,000 तो हमारे क्लेम में चले गए, 60,000 का रिजर्व था, 50,000 क्लेम में चले गए, तो हमारे पास रह जाते हैं 10,000। 60,000 का रिजर्व था, 50,000 क्लेम में चले गए, 10,000 हमारे बच गए। जो 10,000 बच गए हैं वो एबीसी 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 2/5 4,000, 10,000 का 2/5 4,000, 10,000 का 1/5 2,000। तो इसकी एंट्री बनती है बच्चों यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चले गए 50,000, एंड रिमेनिंग बैलेंस जो 10,000 है वो टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 रिड्यूस टू 30,000, फर्नीचर पहले 50,000 का था वो 30,000 का रह गया, तो कितना कम हुआ 20,000 रुपए। फर्नीचर डेबिट है, एसेट्स है, कम हो गया तो क्रेडिट कर देंगे, यानी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये 20,000 रुपए से कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर बुक वैल्यू 40,000 रिड्यूस बाय 10,000, ये 10,000 से रिड्यूस हो गया, तो कंप्यूटर भी एसेट्स होता है डेबिट होता है, कम हो गया तो क्रेडिट कर देंगे टू कंप्यूटर, कितने से कम हुआ 10,000 से, तो 10,000 लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 पर रिवैल्यू 25,000, यानी पहले वो 30,000 का था अब वो 25,000 का रह गया, तो कितना कम हुआ 5,000, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा टू इन्वेस्टमेंट 5,000 और तीनों का टोटल 35,000,
तो इस तरीके से आपकी फोर्थ एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे हमें रिवॉल्यूशन की और कोई एंट्री तो है नहीं इसके अलावा, यही एंट्री है। रिवॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? डेबिट है, तो इसको बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। पार्टनर इस लॉस को बियर करेंगे और किस रेशो में करेंगे? 2:1 में, जो आपको रेशो दिया स्टार्टिंग में। तो 2:1 में 35,000 बियर किया जाएगा। और लॉस के केस में क्या एंट्री होती है? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये आपकी लॉस की एंट्री ये वाली हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सिक्स एंट्री को समझने से पहले आपको समझना होगा यहां पर कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो के बारे में। तो सैक्रिफाइस और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ए के लिए ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 2/5 माइनस 1/3, 1/15 प्लस में आया, सैक्रिफाइसिंग है। सेम बी के लिए करेंगे ओल्ड 2/5 माइनस 1/3, 1/15 ये भी सैक्रिफाइसिंग है। और सी के लिए 1/5 माइनस 1/3, 2/15 ये माइनस में आया इसलिए गेनिंग है। अब ये किस तरीके से आया हमारा 30,000 जो गुडविल का अमाउंट है, तो वो आपको यहां से करना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां 2 दिए गए हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और वो क्वेश्चन गिवन है आपका 75,000 गिवन है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? तो इसके लिए फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, 6 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है। 10% करेंगे 60,000 आएगा। 60,000 को यहां रखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में, 75,000 में से 60,000 माइनस किया जाएगा, 15,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। 15,000 यहां लिखा जाएगा, 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 आपकी गुडविल आ गई। अब ये जो गुडविल आ गई है ये एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 30,000 का 1/15 ये सैक्रिफाइसिंग है। बी के लिए 30,000 का 1/15 सैक्रिफाइसिंग, सी के लिए 30,000 का 2/15 गेनिंग रेशो। एंट्री क्या बन जाती है बच्चों? गेनर को हम डेबिट करते हैं, यानी एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये एंट्री आप यहां 6th पोजीशन पर लिख दोगे, यानी सीज कैपिटल डेबिट 4,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट होता है।